हाय, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो अभी तक जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा वो मोस्टली न्यूटन्स लॉस के एप्लीकेशंस थे, और जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, और न्यूटन्स लॉस के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स पढ़े थे। तो आज जो है नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है कंजर्वेशन लॉज। कोई भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो वो मोस्टली जो है वो दो अप्रोचेज में सॉल्व की जाती हैं। पहला जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते थे, और दूसरा मेथड जो सॉल्व करने का है वो है कंजर्वेशन लॉज। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। सो मोस्टली जो मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम उनसे स्टार्टिंग करें प्रॉब्लम सॉल्यूशन से, तो प्रॉब्लम्स दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। एक इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके, जिसमें हम मोस्टली न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज यूज करते हैं, एक तो हो गया इक्वेशंस मोशंस, और दूसरा हो गया ये कंजर्वेशन लॉज। और इन लॉज को जितने भी लॉज है उनको हम एक बाय वन बाय वन करके ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो कंजर्वेशन लॉज जो है वो मोस्टली हम लोग तीन तरीके के पढ़ेंगे। एक तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सेकंड जो है कंजर्वेशन लॉज में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड लॉ है और वो है एंगुलर मोमेंटम। तो इन तीन लॉज की एप्लीकेशन से, पहला हो गया लीनियर मोमेंटम एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, मोस्टली हम लोग डील करेंगे कि इन लॉज का यूज करके जो हमें जो प्रॉब्लम फिजिकल जो प्रॉब्लम दी है उनको सॉल्व करें। तो कभी कभी किसी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करोगे तो आसानी से, मतलब कम टाइम में, कम स्टेप में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कभी ऐसा होगा कि आपको कंजर्वेशन लॉज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में काफी लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी और थोड़ा लेंथी हो जाएगी, लेकिन कंजर्वेशन लॉज से वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करनी है, कौन सी प्रॉब्लम्स में कंजर्वेशन यूज करनी है। एप्लीकेबल दोनों मेथड है, बस ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको कौन से मेथड से जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो इजियर पड़ेगा और कम लेंदी होगा, ज्यादा उसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो वर्क डन, कोई भी जो फोर्स होता है वो वर्क डन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क डन By force। तो कोई भी अगर जनरल फोर्स है, लेट्स से फोर्स को हम कैपिटल एफ वेक्टर से मान लिया रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वर्क डन है दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज dW। इट मीन्स दैट वर्क डन बाय द फोर्स बाय रिप्लेसिंग अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज dL। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर, सो दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो dW जो है, जो वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, पहली चीज। ठीक है, तो वर्क डन क्या है, एफ डॉट dL। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो किसी भी सिस्टम का तो दैट इज इंटीग्रल एफ डॉट dL। अब ये लिमिट्स तुम्हें प्रॉब्लम्स में डिफाइन होंगे कि तुम्हें लिमिट्स कहां से कहां तक ये वर्क डन यूज करना है या निकालना है, तो ये मोस्टली हो गया एफ डॉट dL। ठीक है, और जो अच्छा इसी का एक केस हम लोग जो काफी प्रॉब्लम्स में ऐसे जनरली पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो है सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है। तो सर्कुलर मोशन में, तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन हम लोग थोड़ा बहुत डील भी कर चुके हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये सेंटर है इसका O, इसकी एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है, रेडियस R है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है मान लिया मास m का, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इस पे जो रेडियल फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में वो f इधर है। ठीक है, जो रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड फोर्स लग रहा है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में,
क्योंकि पार्टिकल तो ये ऐसे मूव कर रहा है ना इस तरीके से, तो ये जो डीएल डायरेक्शन है और जो एफ डायरेक्शन है इसके बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और एफ डॉट डीएल अगर आप करोगे तो वहां पे एफ मॉड डीएल इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक है। तो वर्क डन जो सर्कुलर मोशन में वर्क डन है दैट इज 0, सो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0। और अगर हम इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें एटी, तो दैट इज डीवी बाई डी टी, इफ इट इज 0 इट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स इज 0 देन ओनली दिस इज अप्लाइड। ये कब एप्लीकेबल है, जब टेंजेंशियल फोर्स 0 हो। अगर टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स डॉट डीएल, क्योंकि फोर्स के उस टाइम दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक रेडियल फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स 0 है तब वर्क डन 0 होगा, अगर नॉन जीरो टेंजेंशियल फोर्स का कोई कंपोनेंट है तो एफ डॉट डीएल, मतलब जो, क्योंकि उस टाइम टेंजेंशियल फोर्स और डीएल डायरेक्शन का एंगल 0 नहीं होगा तो वहां पे ये वर्क डन 0 भी नहीं आएगा। तो एक किस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने वाला। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स में फोर्स ऐसे लिख देते हैं कि सपोज किया फोर्स इज 3 r कैप प्लस सम 3 t r कैप प्लस 3 t² थीटा कैप, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेडियल और एंगुलर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट में भी कुछ टाइम के साथ जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स कितना होगा ये प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो बताने की चीज वहां पे थी कि वर्क डन सर्कुलर मोशन में 0 होता है प्रोवाइडेड टेंजेंशियल फोर्स इज 0, और वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है दैट इज एफ डॉट डी एल, इट मीन्स दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स द थिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव और ऑल दिस थिंग्स फॉर यू, कि मैं पूरा डिराइव कराऊं और फिर उसको एक्सप्रेशंस लिखूं। आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्चुअल आइडिया व्हाट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च इन एनी ऑफ द बुक्स, यू विल फाइंड द प्रूफ हाउ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूव्ड। सो द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम इज दैट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी। सो इफ यू नो वट इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी वट यू हैव इन द फाइनल स्टेट माइनस द वट द काइनेटिक एनर्जी यू हैव इनिशियल पोजिशन। सो इफ यू हैव फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज द टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम दैट द वर्क डन इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजिशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजिशन। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वर्क डन का, ये सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए नहीं, ये रिलेटिविस्टिक केस के लिए भी एप्लीकेबल है। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर कोई जैसे सपोज करो एक कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी बहुत हायर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जैसे c/2, 3c/2, c/5 इस तरीके से, सॉरी 3c/2 नहीं होगा, 2c/3 इस तरीके के वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें भी आप ये वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पे एप्लीकेबल है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड वहां पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन भी बदल जाएंगे रिलेटिविस्टिक केसेस में, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी जो थ्योरम है दैट इज एप्लीकेबल देयर ऑल्सो। अच्छा, नाउ वी हैव डिस्कस द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड बेसिक व्हाट आर द कंजर्वेशन लॉज, नॉट इन डिटेल बट द लिस्ट ऑफ द कंजर्वेशन लॉज। नाउ बिफोर गोइंग टू कंजर्वेशन लॉज लेट मी डिफाइन अ टर्म दैट इज व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, सो व्हाट आर दीज। सो
So the basic definition that is true for all the conservation forces is if work done by the force is independent, that is the most important thing for the definition or the definition of the conservation force. If work done by force is independent of the path, then the force F is said to be conservative. Then the force is conservative. So अगर किसी work force का, अगर हम किसी force का suppose करो, एक हमारे पास force है F, अगर इसमें हम work done निकाल रहे हैं, work done का मतलब क्या है, F dot dl अगर हम calculate कर रहे हैं mathematically, अगर ये initial position और final position के बीच का अगर हम work done निकाल रहे हैं, तो वो independent of path है. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या है कि सपोज करो ये हमारे पास एक पोजीशन ए है, दैट इज आवर इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी एक पोजीशन लेट्स से बी है जो कि एक फाइनल पोजीशन है. अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करें, अगर हम वर्क डन सपोज करो ये एक पाथ है, पाथ नंबर वन, अगर हम इस डीएल का यूज करके, इस लाइन या इस कर्व के थ्रू डीएल का यूज करके ए से बी के बीच में वर्क डन निकालें, और ये इसके डायरेक्शन ऑफ सपोज करो कोई फोर्स एक्टिव है, तो अगर हम एफ डॉट डीएल इस इनिशियल फाइनल पोजीशन में पाथ वन के बीच निकालें, या इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इस पाथ टू के लिए निकालें, या इनिशियल या फाइनल पोजीशन हम कोई तीसरे पाथ या कोई जो थर्ड पाथ है, ये पार्ट टू था, ये पार्ट थ्री है, ये पाथ थ्री है, अगर ये जो वर्क डन है एफ डॉट डी एल, अगर ये पाथ वन के लिए, पाथ टू के लिए, पाथ थ्री के लिए, तीनों पाथों के लिए सेम आता है, इट मींस कि चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, या चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, तीनों में ये पाथ का जो स्पेस है, किस डायरेक्शन से वो गया, कैसे मुड़ के गया, अगर सपोज करो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे घूम के, फिर ऐसे करके, फिर यहां पे पहुंच गया, ए से बी तक ही गया, लेकिन ये जो फोर्थ पाथ है वो बहुत डिफरेंट है. अगर ये पाथ की लेंथ और मतलब एफ डॉट डी एल जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड टू बी अ कंजर्वेटिव फोर्स. और कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल और फाइनल पोजिशन का जो जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन द पाथ. ओके, तो एफ डॉट डी एल जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, पहली थिंग. अच्छा, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि इंटीग्रेशन फाइनल टू इनिशियल एफ डॉट डी एल, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये भी इनिशियल और फाइनल पोजिशंस पे डिपेंड करेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी एल. ठीक है, अच्छा, इसको मैं अगर दोनों साइड को एक तरफ ले जाऊं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, कहां गया, ओके जस्ट वेट, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी एल, और इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फाइनल टू इनिशियल, सॉरी एफ डॉट डी एल, तो दिस इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इनिशियल पॉइंट ए पे था, ए से बी पे गया, बी से फिर किसी दूसरे पाथ से फिर ए पे आ गया, इनिशियल पॉइंट पे था, फिर फाइनल पॉइंट पे गया, फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया, पाथ चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये इनिशियल फाइनल और फाइनल इनिशियल सिर्फ एक माइनस साइन से डिफरेंट होंगे. तो इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं क्लोज्ड पाथ पे जाता हूं, जैसे सपोज करो ए से गया और घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के फिर ए पे आ गया, तो ये क्लोज्ड पाथ है. अगर क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल तुम चेक करोगे तो दैट विल बी जीरो. सो ये एक सेकेंड डेफिनेशन के रूप में कुछ बुक डिफाइन करते हैं कि इफ द इंटीग्रल ऑफ वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, देन द फोर्स एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. सो दैट इज कंडीशन फॉर अ फोर्स एफ टू बी conservative in nature. ठीक है, so that is the law of conservation. नहीं, that is not the law, but that the definition of the conservation of force. अच्छा,
मैथमेटिकल आइडेंटिटीज में अगर इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल इज जीरो देन यू कैन राइट दिस एफ एज डेल क्रॉस एफ दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर है दैट फ्रॉम हियर यू कैन स्टेट डायरेक्टली दैट कर्ल ऑफ एफ इज जीरो ओके दैट इज वन ऑफ द थ्योरम दैट स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लाइक दीज थ्री थ्योरम्स यू हैव तो उनमें से एक थ्योरम यू विल सी दैट इज अ रिलेशन बिटवीन कर्ल ऑफ अ वेक्टर एंड द लाइन इंटीग्रल दैट इज कर्ल ऑफ एफ इंटू डी एस दैट इज इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल सो यहां से भी एक नई प्रॉपर्टीज आ गया कि डेल क्रॉस एफ जो है वो जीरो है अगर डेल क्रॉस एफ जीरो है तो ये एक अनदर कंडीशन हो गया कि कोई भी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है कि नहीं तो ये दो कंडीशंस हो गए कि कर्ल सॉरी जो इंटीग्रल अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो एफ डॉट डी एल जो है वो क्लोज्ड पाथ वो जीरो होना चाहिए अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो फोर्स का जो कर्ल है वो जीरो होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्यों क्योंकि देखो अगर मैं प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें तुम्हें एफ का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लंबा इंटू आई कैप प्लस ये एक्सप्रेशन इंटू जे कैप प्लस ये एक्सप्रेशन इंटू के कैप ऐसे दिया होगा और तुमसे ये कहा होगा कि ये वर्क डन निकालो पॉइंट वन से लेके टू तक टू से लेके थ्री तक और थ्री से लेके फिर वन तक ये पूरा क्लोज्ड पाथ का वर्क डन निकालो कितना होगा So, सबसे पहली चीज इसमें चेक करने वाली हो तो आप उसका कर्ल चेक कर लो अगर उस फोर्स का जो कर्ल है दैट इज इक्वल टू जीरो दैट इट मींस दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन के इंडिपेंडेंट है अगर तुम्हें वन से थ्री का वर्क डन निकालना है तो ये वन से टू टू से थ्री जाने का कोई मतलब नहीं डायरेक्टली टू वन से थ्री पे इंटीग्रेट कर दो इनिशियल टू फाइनल लिमिट में ठीक है और अगर क्लोज्ड पाथ पूछा है तो दैट विल बी जीरो So this is the important why this conservation force is discussed of the for the point of view of problems. ठीक है problem के point of view से ये इसलिए important है अच्छा अब conservation force हमने जो discuss किया है nature में जो हम लोग कौन कौन से forces हैं जो conservative हैं तो कुछ mostly used जो example हैं उनको हम लोग discuss करेंगे So ये जो next topic है वो सिर्फ इतने ही conservation force नहीं है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मोस्टली यूज्ड हैं ठीक है ये जो एग्जांपल्स आ रहे हैं ये काफी बार तुमको फिजिकल प्रॉब्लम्स में लग जाएंगे क्योंकि हम लोग मोस्टली इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करेंगे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आर कैप दैट इज रेडियल डायरेक्शन एक कोई मास है एम वन एक दूसरा मास है एम टू और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर ठीक है तो इन दोनों के इस पॉइंट मास नहीं ये मतलब दूर से ऑब्जर्वेशन से हम लोग अगर इसे पॉइंट मास कह रहे हैं तो अगर एक मास है एम वन उसका मास है एक एम टू उसका दूसरा पार्टिकल है उसका मास एम टू है उन दोनों के बीच की रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर है तो जो फोर्स होगा ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स तो जो फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन वन बाय आर स्क्वायर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर आर कैप ठीक है तो ये रेडियल डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है पहला ठीक है ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया क्योंकि इनको तुम प्रॉब्लम्स में जैसे जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब ये तुम्हें जो फोर्सेज हैं तब इनके नेचर भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तब तुम्हें ये सारी चीजें यूज करनी होंगी दूसरा है कूलॉम्ब फोर्स अगर हम बात करें कूलॉम्ब्स फोर्स तो कूलॉम्ब्स फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है अगर ये चार्ज Q1 और Q2 है उनके बीच के डिस्टेंस ये स्मॉल r है तो ये जो कूलॉम्ब्स फोर्स है F दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप जहां पे K जो है वो 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस के लिए तो यहाँ पे Q1 Q2 का जो चार्ज का नेचर है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव तो वो डिफाइन करेगा कि फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस लिखोगे तो वो चार्ज के साइन के साथ लिखोगे ताकि डायरेक्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन का पता चल सके अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक और फोर्स है स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वेक्टर इज माइनस ऑफ के टाइम्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के टाइम्स इलोंगेशन, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। बहुत बार जो बुक्स में लिखा होता है, बुक्स में चीजें लिखी होती है कि के टाइम्स इलोंगेशन या कंप्रेशन, लेकिन हम यूज टू हो जाते हैं के एक्स यूज करने का, के इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स इज के इंटू एक्स, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के एक्स नहीं होता है, के टाइम्स इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होता है, मीन पोजिशन से या इक्विलिब्रियम पोजिशन से कितना इलोंगेशन कितना कंप्रेशन हुआ है। ये, और जो हम लोग मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें उसी डायरेक्शन में हम लोग कॉम्प्रेस कर देते हैं या इलोंगेट कर देते हैं जिस डायरेक्शन में अपना आई कैप लेते हैं, इसीलिए मोस्टली के एक्स आ जाता है, और फिर वो मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है कि वो इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, वो के एक्स है, तो के टाइम्स इलोंगेशन है कंप्रेशन है। ये चीज मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई थी, यहाँ पर फिर मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स की बात होगी जहां पे हमने ग्रेविटेशनल और कोलम्ब और स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, अब एक मोस्ट, चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका, कंजर्वेटिव फोर्सेस का, कि अगर कोई फोर्स एफ है, दैट इज सम फंक्शन एफ वन ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ, कोई दूसरा फंक्शन है वाई का जे कैप प्लस एफ थ्री, कोई फंक्शन है जेड का दैट इज के कैप। अगर कोई भी फंक्शन एफ वन प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स इंटू आई कैप, प्योर फंक्शन ऑफ वाई इंटू जे कैप, प्योर फंक्शन ऑफ जेड इंटू के कैप, कोई इस तरीके से है, तो दैट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है, क्योंकि इसका कर्ल अगर तुम निकालोगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप का एग्जाम्पल है, अगर तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले तुमको इस तरीके का फोर्स लग जाए तो ये मतलब पहचानने में या तुम्हें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं मैथमेटिकली यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि सपोज देर इज अ फोर्स जिसका जो कर्ल है दैट इज जीरो, ओके, लेकिन एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी वो क्या है कि कोई कर्ल है एक फंक्शन का दैट इज अ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन सॉरी फंक्शंस नहीं, ग्रेडियंट ऑफ अ, ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर का होता है, तो फंक्शन की बजाय अगर हम स्केलर लिख लें तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, स्केलर That is zero, ठीक है। ये हमेशा आइडेंटिटी ट्रू है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज जीरो, तो इसको अगर हम लिखें कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, मान लिया स्केलर को हम फाइव से लिख रहे हैं तो दैट इज जीरो। अच्छा देखो, अब यहां पे कंपेयर करो, ये कर्ल है, ये कर्ल है, ये एफ है, एफ के जगह पे क्या है डेल, डेल फाइव दैट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाइव। तो इस फोर्स को अगर ये कंजर्वेटिव इन नेचर है कोई फोर्स, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई को हम स्केलर पोटेंशियल यूज करते हैं क्योंकि ये हम तो इसको यहाँ पे यू से लिख लेते हैं, ये जो है दैट इज यू, क्योंकि ये बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अभी यहाँ पे यू क्यों लिखा, क्योंकि दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस टाइप का फोर्स। और यहाँ पे मैं जानबूझ के एक नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम ग्रेड ग्रेड फाइल लो या माइनस ग्रेड फाइल लो दैट विल नॉट डिपेंड, तो यहाँ पे दोनों साइन आ सकते हैं, तो एफ कैन बी प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं दैट इज नेगेटिव, और इसका एक रीजन है फिजिकली, मतलब क्योंकि डेफिनेशन है ये, तो एक तुम इसको डिफाइन कर सकते हो कि नेगेटिव साइन जो है दैट टेल्स यू दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, so it tells that force is always directed from higher to lower value of u, okay, ये negative sign हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि force को हम इस तरीके से define कर रहे हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रहे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो उसमें भी तुम जो फोर्स लिखते हो माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो,
तो वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइंस का यही मतलब है कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या जो फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो एक ही जैसे डेफिनेशन को बनाए रखने के लिए और जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फोर्स को वो इसी तरीके से है कि हायर पोटेंशियल वाला साइड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब ज्यादा जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जो एफ जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो अ फोर्स कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड दैट द कर्ल ऑफ द फोर्स इज जीरो, इट मींस दैट द फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये भी एक आइडेंटिटी है कि फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल सम स्केलर फंक्शन, तभी जब फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेचर है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पाथ इंडिपेंडेंट है, फिर उसके जो मोस्टली यूज हमारे जो फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल कूलॉम स्प्रिंग फोर्सेस वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उसको हम एक पोटेंशियल एनर्जी के हायर पोटेंशियल टू लोअर एनर्जी के ग्रेडियंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके साथ साथ। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे 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 करके अब हमें आगे बढ़ रही है, मतलब उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे हम और जो डिडक्शंस है वो कर पा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम फोर्स इज अ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी, तो अब यहां से हम थोड़ा इसको और आगे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि फोर्स इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शंस यू। तो अगर हम इसको कंपोनेंट वाइज में लिखना चाहें तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। क्यों? क्योंकि डेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप, ये डेल ऑपरेटर है, दैट इज डेल बाय डेल जेड के कैप। जब ये ग्रेडियंट स्केलर और ये कर्ल, ये जब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल जब ये चीजें पढ़ रहे होगे, अगर पढ़ ली होंगी तो ये डेल ऑपरेटर जो है वो तुम्हें पता होगा कि ये क्या चीज है और कैसे डिफाइन होता है। तो एफ एक्स हम इस तरीके से लिख रहे हैं, सिमिलरली तुम एफ वाई भी फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट भी लिख सकते हो, दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और इसका जो जेड कॉम्पोनेंट है एफ जेड दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल जेड। ये कार्टेशियन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हो तो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें, सो लेट मी डिफाइन, सॉरी इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी यू जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, सो इसको तुम लिख सकते हो एफ डॉट डी एल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर टू सम रेफरेंस पॉइंट, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू आर एफ डॉट डी एल, दैट इज वर्क डन। क्योंकि पोटेंशियल एक तरीके की सपोज करो एक एनर्जी है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन सम रेफरेंस कि उसका तुम रेफरेंस कहाँ पे ले रहे हो, और रेफरेंस हम लोग ऐसा चूज करते हैं जहां पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो। तो मोस्टली जैसे ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रेफरेंस एनर्जी हम इन्फिनिटी चूज करते हैं ताकि उस इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो, फिर उसकी रेस्पेक्ट में हम दूसरे किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन सम रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले को अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं इसे, तो देयर इज अ सपोज करो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है और किसी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे ये किसी एंगल थीटा पे है, और ये इसका मेन पोजीशन है, ये यहां से ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो अगर मैं ये रेफरेंस वन ले रहा हूं, मतलब इसको मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी, इस स्केल को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूं, इफ पहला वाला क्या है, इफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहां से ये बिलो वाला ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज एल
कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये वन वाले रिस्पेक्ट में इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, पहला चीज। अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूं, सपोज करो मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं, ये सेकेंड वाला है, अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एस, ये अब तो प्लस हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस एनर्जी के अपसाइड अगर तुम ये कन्वेंशन यूज कर रहे हो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई, अगर ये तुम रेफरेंस यूज कर रहे हो, तो अगर तुम इसको ओरिजिन मान रहे हो और ये तुम्हारा जो टू है वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम मास इंटू जी, और ये जो डिस्टेंस एच है एम जी एच, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी एच कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो दैट इज एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी देखो अलग अलग रेफरेंस से, अगर रेफरेंस तुम्हारा वन है तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें प्रॉब्लम में ये यूज करनी पड़ेगी, अगर रेफरेंस तुम्हारा टू है तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें यू यूज करने की। अगर अब तुम ये सोच रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी वन और पोटेंशियल एनर्जी दो तो अलग अलग है, तो अगर मैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो कौन सा लूं, और अगर मैं दूसरा वाला यूज कर लूंगा तो गलत कैसे हो जाएगा, गलत नहीं होगा क्योंकि पहले तुम्हें रेफरेंस चूज करना है, तो फर्स्ट चूज द रेफरेंस, चूज द रेफरेंस। अगर तुमने एक बार एक रेफरेंस चूज कर लिया उसके बाद तुम्हें ये पोटेंशियल एनर्जी उस रेफरेंस में ही लिखना होगा। अगर तुम रेफरेंस ये वन वाला ले रहे हो और पोटेंशियल एनर्जी टू के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन गलत आएंगे। रेफरेंस टू ले रहे हो, वन का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, गलत आएंगे। जो रेफरेंस लिया है उसी के रेस्पेक्ट में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कोई भी उसमें एरर नहीं होगी अगर मैथमेटिकली सही किया है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो फॉर्मूला मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। तो एक मिनट, ओके, तो यहाँ कहाँ पे आ गया था, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन आर, दैट इज सम आर टू रेफरेंस एफ डॉट डी एल, इसको मैंने इस तरीके से भी लिखा था, माइनस सम रेफरेंस पॉइंट टू आर एफ डॉट डी एल। सो ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एफ डॉट डी एल एक वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी एल है, और ये कहां से है, एक रेफरेंस पॉइंट से इसी पोजीशन आर पे। तो हम लोग जनरली जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आर ई एफ रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं वो, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर जो पोटेंशियल एनर्जी ये है दैट इज जीरो। और अगर हम इसको और फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे बाद में तो दैट इज यू ऑफ, सॉरी यू ऑफ आर, ये इसको तुम लिख सकते हो माइनस अ टोटल इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट, वो जो रेफरेंस की वजह से आएगा वो एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर दो। तो जब तुम दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे होगे तो जो रेफरेंस का जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर जो है इसको तुम इस तरीके, अगर तुम रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाह रहे हो तो आर से रेफरेंस ऐसे लिख लो, अगर तुम नहीं लिखना चाह रहे हो, इंटीग्रेट में कोई भी तुम लिमिट नहीं लगाना चाह रहे, टोटल डेरिवेटिव टोटल इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो दैट इज माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर प्लस सम कांस्टेंट, ये इस कांस्टेंट में तुम्हारा वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मोस्टली आप लोग ये फॉर्म यूज करो, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब वहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वहां पे मोस्टली तुम्हें रेफरेंस की बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम रेफरेंस चेंज कर दोगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आप अभी से ये आर टू रेफरेंस या रेफरेंस टू आर विद नेगेटिव साइन विद वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस तरीके से अगर अभी से डिफाइन करोगे तो आपके लिए आगे जो है वो आसानी रहेगी। तो ये तो दैट इज अ थिंग हाउ वन शुड डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो ये चीज मैं एक पॉइंट और यहाँ पे फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि यू जो है, यू इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कि कहां पे आपका रेफरेंस है, तो इट डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि U एट रेफरेंस पॉइंट माइनस U ऑफ सम पॉइंट R इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल R टू रेफरेंस F डॉट dl। ठीक है, दैट इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि एफ डॉट डी एल आर से रेफरेंस तक ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इट मींस जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू रेफरेंस माइनस यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोगों ने पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव पोर्शन है, दैट इज माइनस वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है डेल्टा यू, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को और एक ही में लिखना चाहूं, ये जो ऊपर जो मैंने डिस्कस किया, तो पहला क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पहला ये था। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस इसमें दूसरी चीज भी है, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, जिनके जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जिनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी जा सकती, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आई होप कि यहां तक कि अभी सारी चीजें क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और इसके साथ एक नेगेटिव साइन, प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन निकालना चाहूं, दैट इज वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जो है वो कितना जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इधर है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इधर है विद माइनस साइन, इसको उधर ले जाओगे तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोजिशन की, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इधर है, माइनस माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इधर है, तो दैट इज काइनेटिक टोटल एनर्जी इनिशियल। तो ये जो फॉर्म है, वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस, दैट इज वो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव नहीं है या जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी जा सकती, उनके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन सा एग्जाम्पल, सपोज करो एक फ्रिक्शनल फोर्सेस तुम्हारा लग रहा है किसी सिस्टम पे, और तुमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पे उसको डिस्प्लेस किया, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो वो जो वर्क डन होगा, दैट इज तुम फाइनल एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी निकालो, और उनका जो डिफरेंस होगा, वो जो लॉस आएगा, वो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो अदर फोर्सेस में वो सारे फोर्सेस इंक्लूडेड हैं जो नॉन कंजर्वेटिव हैं, इट मींस जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और इस ये जो थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो मैंने इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा कि वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज टोटल एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, इस पे कई बार जैम में भी प्रॉब्लम्स आए हैं, और 2017 में एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आया था जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व था। और अगर प्रॉब्लम में कोई नो अदर फोर्सेस, कोई भी अदर फोर्सेस नहीं है, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे कंजर्वेटिव ऑफ नेचर हैं,
तो टोटल एनर्जी जो कंजर्व रहेगी, इट मींस टोटल एनर्जी इनिशियल, कंजर्वेशन तो ऊपर भी था, टोटल एनर्जी जो फाइनल है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे एनर्जी जो लॉस हो रहा था वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट थी तब भी, क्योंकि वो जो लॉस है वो भी सिस्टम में ही रहेगा। अगर अगर होल सिस्टम को तुम एज मतलब पूरे सराउंडिंग का भी कुछ पार्ट तुम सिस्टम में ले रहे हो तो, और कोई अदर फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हमेशा टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइनल और इनिशियल सेम रहेगी। तो ये जो था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो ये वर्क डन और इन चीजों पे डिपेंड होंगे। और 2017 का जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन क्या था। अब हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो कुछ सिस्टम्स की, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, स्प्रिंग सिस्टम हो गया, चार्ज वाला सिस्टम हो गया, तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जीज हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक था वो आपको पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम से इंट्रोडक्शन कराना था। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर कुछ भी चीज़ें डाउट हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट में लिखिए, और अगर कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे बहुत बार मैं कह चुका हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।